मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेषकर मेरा यह वीडियो केवल कर्क राशि वालों के लिए है, तो जिनकी जन्म कुंडली में कर्क राशि है उनके लिए यह वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। और मैं सभी कर्क राशि वाले जातकों का, मेरे दर्शकों का विशेष स्वागत मेरे चैनल पर करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के संदर्भ में जीवन के शुरू से लेकर पूरी जानकारी दूंगा कि कर्क राशि वालों के जीवन में क्या क्या होता है और कैसे आप सभी कर्क राशि के लोग अपने जीवन को जीते हैं। आपकी कर्क राशि है तो आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और मेरी बताई जानकारी को आप अपने जीवन के विषय में अगर जोड़कर देखें, शायद आपको मेरा यह जो मेहनत की है मैंने वह पसंद आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि का परिचय करवाऊंगा, आपके गुण अवगुण बताऊंगा, आपके लिए कौन सा महीना हर साल में शुभ रहता है, कौन सा साल आपके जीवन में शुभ रहता है, कौन सा दिन और कौन सी तारीख आपके लिए शुभ रहती है, आप ऐसा कौन सा बिजनेस या नौकरी करें जिससे आपको जीवन में जल्दी जल्दी तरक्की मिले, आपका भाग्योदय कब होगा, आपके लिए शादी की उम्र कौन सी होगी, आपके लिए शुभ साल और अशुभ साल कौन सा होता है, आपका स्वास्थ्य कैसा होता है, आपका स्वभाव कैसा होता है, आपकी मित्र राशियां और शत्रु राशियां कौन सी होती है, शुभ अंक, शुभ वार, शुभ रंग और आपके देवता, और सबसे अंत में मैं आपको आपकी राशि का एक चमत्कारिक मंत्र भी बताऊंगा। इसके अलावा आपकी राशि की जो महिलाएं हैं यानी कि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी मैं जानकारी इसी वीडियो में दूंगा और भी काफी कुछ नई जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपके राशि का स्वामी चंद्रमा है, इनका मंत्र मिलेगा और साथ में आपके राशि के जो देवता शिवजी है उनका भी मंत्र एक वीडियो के अंतिम भाग में आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर जय शंकर यह जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं जिससे कि मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फोन पर भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 उस नंबर पर आप मेरे को रविवार को केवल दिन में 10 बजे से 11 बजे तक ही फोन करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कर्क राशि के स्वामी चंद्र और कर्क राशि किस प्रकार की होती है, यानी कि मैं अब आपको आपकी राशि का परिचय सबसे पहले करवा देता हूं। आपकी राशि कर्क राशि चक्र में चौथा स्थान है इनका कर्क राशि का। यह राशि जल तत्व की है, सत्व गुणी है, चर स्वभाव एवं चंद्र ग्रह से प्रभावित होती है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह केकड़ा है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस राशि में पुनर्वसु का एक चरण पुष्य के चार चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चार चरण से मिलकर यह राशि कर्क बनती है। इस राशि से शुरू होने वाले प्रथम अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, यह अक्षर कर्क राशि के नाम के पहले अक्षर होते हैं तो इनकी कर्क राशि होती है। इस राशि का स्वभाव चर, जाति ब्राह्मण, तत्व जल, संज्ञा जलचर, निवास स्थान जलाशय नदी समुद्र में होता है। कांति जो है स्निग्ध है। रात्रि एवं उत्तर दिशा बली है। सामान्य कद, राशि सत्ता नकारात्मक, पृष्ठोदय सम एवं स्त्री राशि है आपकी। इसका हमारे मन पर सीधा असर होता है, यानी कि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। कर्क राशि की उच्च राशि वृषभ और नीच राशि वृश्चिक होती है। कर्क राशि में गुरु 5 अंश तक उच्च का और 28 अंश तक मंगल नीच का होता है। यह राशि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। कुछ विद्वान भले ही इसको राहु की त्रिकोण राशि मानते हो मगर मैं
इसको ऐसा नहीं मानता हूं। चंद्रमा को नवग्रह नक्षत्र मंडल में रानी का दर्जा प्राप्त है। यह काल पुरुष के शरीर में मन, हृदय, वात, कप तथा रक्त का कारक है। इसका ज्यादा प्रभाव गले से हृदय और फेफड़ों तक रहता है। सूर्य जो है श्रावण मास में लगभग कर्क राशि में रहता है, या और अगर अपने भारतीय पंचांग को देखें तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक जो है सूर्य आपकी कर्क राशि में रहता है। आप कर्क राशि के पुरुष हैं तो मैं आपको आपका व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में बताता हूं। पहले मैं पुरुषों के बारे में स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद में मैं कर्क राशि की जो महिलाएं हैं उनका स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा। आप यह भाग जो है मेरा बहुत ध्यान से देखें। आप कर्क राशि के पुरुष हैं तो आप अत्यधिक भावुक, संवेदनशील एवं परिवर्तनशील विचारों के होते हैं। आप शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम को अधिक महत्व देते हैं। कठिन परिस्थितियों में अक्सर आप घबरा जाते हैं। आप लंबी योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाते। आप निर्देशन देने में चतुर है, हालांकि स्वयं करना पड़े तो आप टाल जाते हैं। आप पल भर में क्रोधित हो उठते हैं और जल्दी पिघल भी जाते हैं। आपकी उत्तेजना प्रतिहिंसात्मक नहीं होती है, अपितु उसमें एक भावात्मक ज्वार पाया जाता है। आप वाचाल, मितव्ययी, देश प्रेमी एवं मातृभक्त होते हैं। आपका संकालु स्वभाव अनायास चिड़चिड़ा बना देता है और इसमें आप अपना ही अहित करते हैं। आपको कठिन परिस्थिति में स्त्री विशेष से सहायता मिलती है। आप में सार्वजनिक त्याग, सेवा एवं मानवता की भावना होती है। आप एक सच्चे मित्र हैं और सुख दुख में साथ देने वाला आपका स्वभाव रखते हैं। अब मैं आपको कर्क राशि की महिलाओं का स्वभाव व्यक्तित्व कैसा होता है इस बारे में बता देता हूं। अभी जो मैंने बताया वह कर्क राशि के पुरुषों के लिए था और अब जो मैं बता रहा हूं वह कर्क राशि के महिलाओं के लिए है। आप भावुक, संवेदनशील, चतुर, विचारशील एवं आत्म प्रशंसक होती है। कलात्मक एवं सौंदर्य युक्त वस्तुएं बनाने में निपुण होती है। जिद, क्रोध एवं हठ के कारण अपमान और हानि उठाती है। आपको छोटी सी बात चुभती है और मन में तब तक उसको लेकर दुखी रहती है जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो जाता। आप स्पष्टवादी, कल्पना प्रिय, स्वच्छता एवं सौंदर्य प्रिय होती है। आपका चेहरा गोल चंद्रमा की तरह सुंदर और आकर्षक होता है। विशेष करके आपकी जो आंखें हैं हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ कहती है या बोलती हो। मौलिक चिंतन के कारण नूतन विचार आपको कुछ करने को प्रेरित करते हैं। आपकी मूड अथवा स्वभाव की जो बात करें तो जल्दी ही आपको अपना बनाया जा सकता है या आप जल्दी ही किसी के विश्वास में आ जाती है। कई बार लोग इसी बात का फायदा भी आपसे उठा भी लेते हैं और फिर आपको छोड़ भी देते हैं। आप त्याग, सहानुभूति और ममता की मूर्त होती है। कठिन परिस्थितियों में घबरा जाती है और जल्दी समर्पण भी कर देती है। आप पर क्रोध का ज्वार जितना तेजी से आता है उतना ही तेजी से उतर भी जाता है। अब मैं आपको आपके अंदर जो कर्क राशि के जातक है, पुरुष हो महिला हो, तो उनके अंदर कुछ अवगुण होते हैं, तो उन अवगुणों को मैं आपको बता देता हूं कि आप में अगर यह अवगुण है तो आप इन अवगुणों को जीवन में छोड़ दें, त्याग दें, तो आपका जीवन में आपको जीवन में सफलता जल्दी मिलेगी और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। जो कर्क राशि के पुरुष में महिला में अवगुण होते हैं वह इस प्रकार है और इन अवगुणों को आपको छोड़ने से जीवन में सफलता मिलेगी। चिड़चिड़ेपन के कारण व्यर्थ उड़ते रहते हैं। संदेह और वहम के कारण व्यर्थ में मानसिक रूप से परेशान न रहे। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे व्यर्थ में बुरे बन जाते हैं। दूसरों की नकल उतारना, हंसी उड़ाना, व्यर्थ समय नष्ट करना एवं दिखावा करना आपके व्यक्तित्व की कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। कल्पनाशीलता, जल्दबाजी और मानसिक अस्थिरता के कारण एक विचार पर टिक नहीं पाते और फौरन ही बदल देते हैं।
भावुकता के कारण आप में आत्मविश्वास की कमी है। भावुकता छोड़ने पर सफलता तुरंत मिलेगी। जो सोचते हैं वह पूरा नहीं कर पाते हैं। आप खाने पीने पर कंट्रोल नहीं रख पाने के कारण समय असमय शारीरिक कष्ट भी पाते हैं। आप सोच विचार ज्यादा करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है। दूसरों को परखे बिना विश्वास कर लेते हैं और धोखा उठाते हैं। यह जो मैंने अभी बातें आपके अंदर बताई है, वह सब आपके अवगुण हैं। आप इन अवगुणों को छोड़ दे समझकर तो आपको जीवन में सफलता जल्दी मिलती है। अब मैं आपको आपके जीवन के कुछ ऐसे अच्छे साल या शुभ साल के बारे में बताता हूं, जिस समय में इन सालों में आपका जो भाग्योदय है वह होता है या हुआ होगा या होगा अब, और आपकी इन वर्षों में उन्नति भी होती है। आप इस भाग को जो मैं अब बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखें और हमेशा अपने जीवन के शुभ वर्षों को याद रखें। तो आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका भाग्योदय भी होता है और परिवर्तन भी होता है, जो अच्छा परिवर्तन होता है। आपका भाग्य जो है वह 16वें वर्ष में जागृत होता है। आपके लिए 22वां, 24वां, 25वां, 28वां और 33वां वर्ष जो है विशेष परिवर्तन एवं उन्नति कारक होता है। अब मैं आपको आपके पूरे जीवन में कौन कौन से आपकी आयु के जो साल है वह शुभ और समृद्धशाली बीतते हैं, इन सालों का भी मैं आपको बता देता हूं। इन सालों को आप जरूर याद रखें और जब भी आपका जीवन इन वर्षों में आए तो आप उसका लाभ भी उठाएं। इसमें आपको मैं जो बता रहा हूं जीवन के साल, इसमें आपको सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए इन बताए गए वर्षों में आप अगर थोड़ा सा भी होशियार होकर रहेंगे तो लाभ उठा सकते हैं। आपके जीवन का दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, 29वां साल, 48वां साल, 47वां साल, 38वां साल और 47वां साल, 56वां साल, 65वां साल, 74वां साल और 83वां साल शुभ रहता है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो गया था। आपके जीवन का दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, 29वां साल, 38वां साल, 47वां साल, 56वां साल, 65वां साल, 74वां साल और 83वां साल जो है जीवन में शुभ रहता है। इसमें आपके दामन में सुख समृद्धि भरपूर रहती है और यह जो जीवन के साल है आपके बहुत अच्छे से बीतते हैं। अब मैं आपको आगे आपके जीवन में हर साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जो शुभ बीतते हैं, तो उन 4 महीनों के बारे में बता देता हूं कि हर साल आपके कौन कौन से 4 महीने किस तारीख से किस तारीख तक के शुभ बीतते हैं। आप यह जो है 4 महीने हमेशा याद रखें और इसका लाभ उठाएं। पहला जो महीना है जो आपके हर साल में शुभ रहता है वह होता है 13 अप्रैल से 12 मई तक का समय। इस समय में आपको धन लाभ, उत्तम भोजन, स्वास्थ्य लाभ, मित्र, कुटुंब, राजनेता आदि बड़े लोगों से मिलना, मुलाकात करना, आनंद की प्राप्ति और मनोकांक्षा पूर्ण होती है। दूसरा जो महीना है जो आपके जीवन में हमेशा हर साल शुभ बीतता है वह है 13 मई से 14 जून तक का समय। उन्नति कारक होता है यह महीना। मांगलिक उत्सव की खुशी होती है, अनुकूलता का आभास और अच्छे समाचार मिलते हैं। संतान सुख व रोग मुक्ति भी इसी महीने में आपको मिलती है। अब मैं आपको तीसरा महीना बताता हूं कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का जो महीना होता है वह आपके लिए हर साल शुभ बीतता है। इस 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के एक महीने में आपको धन लाभ, हर प्रकार से पक्ष का समय, रोग मुक्ति, शुभ समाचार, शुभ कार्य व अनुकूल समाचार मिलने का यह जो महीना होता है। अब मैं आपको चौथा महीना बता देता हूं कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का जो महीना होता है वह आपके लिए हर साल शुभ होता है। इस महीने में आपको आनंद की प्राप्ति, कार्य सिद्धि, स्वास्थ्य अच्छा, शत्रु नाश होता है, धन लाभ होता है और मान सम्मान की प्राप्ति से सुख आपको मिलता है। यह 4 जो महीने मैंने आपको बताए हैं यह आपके लिए हर साल शुभ होते हैं, क्योंकि इस समय में इसके अलावा जो बाकी 8 महीने होते हैं उसमें आपको थोड़ा सावधान रहकर समय बिताने की जरूरत रहती है, क्योंकि बाकी के जो महीनों में है वह सामान्य रूप से बीतते हैं। कोई कोई महीना या कोई कोई खास समय आपके लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें धनहानि, धोखा,
और रोग सेहत पर असर, शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, शत्रुता बढ़ जाती है और कार्यों में विघ्न बाधा आती है, जैसे प्रभाव बाकी के महीनों में आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको आपके वैवाहिक सुख और सुखद प्रेम संबंधों के लिए कौन सी राशियां अच्छी और मित्र होती है यह मैं बता देता हूं। यह जो है मेरी राशियां बताने वाला भाग, आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने गलत राशि से, अशुभ राशि से, शत्रु राशि से प्रेम कर लिया, विवाह कर लिया, मित्रता कर ली, तो आपको हानि हो जाएगी। इसलिए आप अपने मित्र राशियां और लाभ की राशियों को मैं बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुने, देखें, और जो शत्रु राशि है उनसे आप सावधान रहें, जो मित्र राशि है आपके लिए शुभ राशि है उनसे आप लाभ उठाएं। और बाकी जो ये मैं राशियां बता रहा हूं, इसमें कुछ कुछ ऐसी राशियां भी होती है जिनके साथ आप प्रेम कर सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, लेकिन शादी जो है उनसे करना ठीक नहीं है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से इसमें बता दूंगा। आप प्राय एक तरफा प्रेम करते हैं, आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हैं, परंतु दूसरे पक्ष से सहयोग की बिल्कुल आशा नहीं रखते हैं। आपके लिए सेक्स कोई विशिष्ट वस्तु न होकर के घर गृहस्थी से संबंधित एक तथ्य है। आप सेक्स के मामले में अग्रणी जरूर होते हैं, मगर सिर्फ एक जरूरी काम से ज्यादा इसको महत्व नहीं देते। कभी कभी आप घरेलू चिंताओं के कारण सेक्स संबंधों को नष्ट भी कर बैठते हैं। प्रेम के मामले में आपको कोई बंधन स्वीकार नहीं होता है। आप जैसे भोजन को जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व सेक्स को देते हैं और उसी रूप में इसको देखते और स्वीकार करते हैं। आप प्रेम हमेशा दिल से करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाने के कारण या बिना परखे किसी के कहने मात्र से भरोसा कर लेने से आपको धोखा भी मिलता है। आप प्रेम के मामले में मनोबल की कमजोरी के कारण हार भी जाते हैं। आपके लिए वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि हमेशा शुभ होती है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों से खूब अच्छा निर्वाह होता है। वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से सामान्य प्रेम संबंध आपका रहता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ में हमेशा विरोध ही आपका रहता है, इसलिए मेष, सिंह और धनु राशि वालों के साथ में आप थोड़ा सावधान रहकर संबंध बनाए, और क्योंकि आपको इन संबंधों को बढ़ाने से हानि उठानी पड़ती है। प्रेम और सेक्स के मामले में आप इन राशि वालों पर सोच समझ कर ही भरोसा करें, और क्योंकि अंत में आपको ही धोखा खाने का शिकार होना पड़ेगा। इन राशि वालों से आप विवाह ना करें, वैवाहिक संबंध ना बनाएं, नहीं तो वैवाहिक जो जीवन है वह आपका क्लेशमय या कष्टमय हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर जीवन में धन कमाना चाहते हैं और सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा काम करें जिससे आप सफलता और धन दोनों पा सके। अब आप इन कामों को ध्यान से देखें, सुने, और अगर आप जीवन में सफल नहीं हुए हैं तो आप इन कामों में से, जो मैं बता रहा हूं, इन कामों में से कोई भी एक काम करके आप जीवन सफल कर सकते हैं। तो आप क्या व्यवसाय करें, नौकरी करें, यह मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखें। आप मानसिक श्रम में भरोसा करते हैं और आपको कलात्मक कार्यों में विशेष रुचि रहती है। आप गर्म एवं शीतल पेय पदार्थ का व्यापार बिजनेस करें, सुगंधित पदार्थ का व्यापार करें, कलात्मक व सजावटी सामान का करें, कांच की वस्तुएं हैं, जल व्यवसाय, कवि, फोटोग्राफी, चित्रकारी, अगरबत्ती, अभिनय, नरस, दाई, जौहरी, रत्न व्यवसाय, अध्यापक, दार्शनिक, कथाकार, उपन्यासकार, केमिस्ट, वकालत, पंडित, अर्थशास्त्री, जज, नाविक, यातायात, टूरिज्म, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, अभियंता, मैकेनिक, प्लम्बर, गुप्तचर, फुटकर वस्तुओं का काम, जेलर, ऑपरेटर, मशीन चालक, ज्योतिषी, गणितज्ञ, वस्त्र व्यवसायी, टाइपिस्ट, मुनीम, स्टेशनरी का काम, सेल्समैन आदि के कार्यों को करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यों को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से आप इसका जीवन बिता सकते हैं। जो मैंने अभी काम बताए हैं यह कर्क राशि वालों के लिए सफलता प्रदान करने वाले हैं। अब मैं थोड़े कुछ और काम आपको भी बता देता हूं कि आप अगर चाहे तो ये काम भी कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में धन लाभ भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। आप कर्क राशि के हैं, राशि का स्वामी चंद्रमा है,
आप दूध, दही, घी, छाछ, जल से संबंधित बोतल बंद पानी की बिक्री, टैंकर से पानी का वितरण के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, होटल, रेस्टोरेंट, चाय, कॉफी हाउस, पानी में जहाज चलाने का काम, नाव चालक का काम, पेंटर, शिल्पकार, सजावट का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप महिलाओं के वस्त्र विक्रेता बनकर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का व्यापार करके रंग उपकरण की रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, रंग का काम कर सकते हैं और उपकरण की रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। मछली घर बनाकर बेचने का काम करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। शक्कर, मिश्री, बताशे, रसगुल्ले, सफेद मिठाई, हलवाई, मिष्ठान भंडार खोलकर चावल का थोक व्यापार करके चांदी के गहने बनाने और बेचने का काम करके आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करके सोना चांदी का काम करके रतन आदि बेचने का काम कर सकते हैं। डायमंड बेचने का काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। टीचर, क्लर्क, बैंक कर्मचारी, कॉमर्स से संबंधित काम, कंप्यूटर जॉब वर्क, मैनेजमेंट, आर्टिस्ट, रसोईया, पर्यटन से संबंधित काम, कमोडिटी बाजार और शेयर मार्केट में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा राजनीति और खेल में काफी मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है और जब आपको राजनीति और खेल में सफलता मिलती है तो बहुत खूब सफलता मिलती है। अब मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा कि आपको जीवन में किस प्रकार के रोग से अधिकतर परेशानी उठानी पड़ती है और साथ ही मैं आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना होगा यह भी बताऊंगा। इसलिए आप इस भाग को बहुत ध्यान से देखें सुने क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी रहेंगे तो जीवन के धन, माल, दौलत, माया, परिवार सब कुछ आपको अच्छा लगेगा और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो ये सब किसी काम के नहीं होते हैं। तो आपको मैं स्वास्थ्य के बारे में बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखें कि आप प्राय दुर्बल शरीर के स्वामी होते हैं लेकिन इस राशि की महिलाएं कभी कभी गोल मटोल गोलाकार चंद्रमा की तरह भी होते हुए देखी जा सकती है। दिखने में स्थूल शरीर परंतु आंतरिक दृष्टि से अगर देखें तो शरीर दुर्बल होता है। अधिकांश उदर विकार, पाचन क्रिया में गड़बड़, मानसिक दुर्बलता और जलोदर रोग से आपको परेशानी रहती है। आप पर कुंठा और मानसिक उद्वेग हावी हो जाता है। चंद्रमा के निर्बल होने पर निद्रा रोग यानी नींद नहीं आना और या फिर नींद में चलना या नींद में बोलना यह रोग लगता है। आलस, शीत ज्वर, अतिसार, कफ रोग, पीटक, पीलिया, अरुचि, मदांगिनी, रक्त विकार, जलोदर, पांडु, कामला, पिनस, स्त्री जन्य रोग, चित्त की थकावट, नपुंसकता, जल से भय, प्रमेह, मानसिक रोग, मलेरिया आदि रोग आपको ज्यादा जीवन में होने की संभावना रहती है या इनसे आपको परेशानी होती है। शीत गुण चर राशि होने के कारण कफ संबंधी रोग पाचन क्रिया व मन को शीघ्र प्रभावित करती है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर मानसिक स्थिरता से बचें, पाचन क्रिया को संतुलित आहार से आप ठीक रखें, प्रसन्नता और संतुलित आहार से आप स्वस्थ रह सकते हैं। मांस, चटपटी चीजें और गरिष्ठ भोजन से बचें और परहेज करें। नमक आपके लिए लाभप्रद नहीं है इसलिए कम ही सेवन करें। विटामिन बी से युक्त खाद्य पदार्थ, फल एवं हरी सब्जियां खाना ठीक रहेगा। यह था आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। आशा करता हूं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आगे आपको 5 बातें ऐसा बता देता हूं जिसको ध्यान में रखना कर्क राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है। पहला है संतुलित आहार आप ले। दूसरा, सदैव हमेशा आप प्रसन्नचित रहें, चिंता आदि न करें। तीसरा, चिड़चिड़ापन और भावुकता को आप त्यागें। चौथा है, अधिक सोच विचार आप न करें। और पांचवा, जो इन्फेक्शन टाइप के, संक्रमण टाइप के रोग होते हैं इनसे आपको हमेशा बचकर रहना पड़ेगा। ये 5 बातें आप हमेशा अगर जीवन में याद रखेंगे तो जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी और रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। अब मैं आपको वीडियो के इस अंतिम भाग में कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आपने इस भाग को ध्यान से देखा, सुना और समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकेंगे। इस भाग में मैं आपको आपके देव महादेव का मंत्र और चंद्रमा का मंत्र बताऊंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय
या फिर हर हर महादेव या फिर जय शंकर जरूर लिखें। मैं आपको आपकी राशि का मंत्र और आपके देव महादेव का मंत्र बता रहा हूं। आपकी राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो कि जल तत्व प्रधान ग्रह है। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और शिव जी को सोमवार का देवता माना जाता है। आपको भावुकता से बचना चाहिए, दूसरों की हंसी कभी नहीं उड़ानी चाहिए। आप व्यवहार कुशल बनिए और धर्म में रुचि बढ़ाएं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, अस्त का है, या राहु या केतु के साथ में बैठा है ग्रहण योग बनाकर, या फिर शनि के साथ में विष योग बना हुआ है, तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर सलाह लेकर बाद में अगर कोई उपाय या निवारण करवाएंगे तो इसका लाभ आपको जल्दी मिलेगा। जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी और आप चाहें तो चंद्रमा का जो नग है मोती वह पहन सकते हैं। इसके अलावा मोती के अलावा आप मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज भी आप किन्हीं परिस्थितियों में पहन सकते हैं। यह सब आपको ज्योतिषी से सलाह लेकर पहनना पड़ेगा। सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप हमेशा चंद्र लक्ष्मी सुखकारी यंत्र की पूजा करें और उस यंत्र में लिखें मंत्र की माला भी करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल और ऐश्वर्यपूर्ण हो सकता है। आप चंद्रमा की दान करने वाली वस्तुएं जैसे सफेद वस्त्र है, चावल है, चांदी है, घी है, मोती है, सफेद फूल है, कपूर एवं सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप 6.25 रत्ती का मोती या 8 से 10 रत्ती का चंद्रमणि भी धारण कर सकते हैं। ये नग आप चांदी में ही धारण करें। अब मैं आपको जो है चंद्रमा का मंत्र पहले बता देता हूं। चंद्रमा का जो मंत्र है यह आपके लिए मैं 3 बार बोलूंगा। अगर आप इस को मेरे से ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप इसका वो उच्चारण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा का मंत्र बताने से पहले मैं आपको आपके लिए शुभ अशुभ अंक आदि की जानकारी दे देता हूं। आपके लिए 1, 2, 5 अंक शुभ है, 3, 6, 8, 9 का अंक जो है वह सामान्य रहेगा और 4 और 7 का अंक हमेशा आपके लिए अशुभ रहेगा। यदि आप इन अंकों की शुभता को ध्यान में रखकर कार्य करें या शेयर सट्टा या फिर लॉटरी खरीदें तो भाग्य में बदलाव संभव है। आपके लिए शुक्रवार का और सोमवार का व्रत भी लाभकारी होगा। अब मैं आपको आप सबसे पहले आपकी राशि चंद्रमा का मंत्र बताता हूँ। इसके कुल आपको 10,000-11,000 जाप जो है वह करने हैं। रोजाना 2 माला नियमित करें और चंद्रमा की कोई एक आध वस्तुओं का दान भी प्रत्येक सोमवार को जरूर करें। अगर आप यह मंत्र पहले से कर रहे हैं तो इसको हमेशा चालू रखें, बंद ना करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ इस मंत्र का उच्चारण करके मेरे से भी यह मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र आप जो है स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पहले मैं मंत्र को एक बार साधारण रूप से आपको उच्चारण के लिए बता देता हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। यह मंत्र चंद्रमा का है। अब मैं 3 बार बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आप 11,000 जाप करें या फिर किसी से करवाएं तो आपकी जो मनोकामना वह पूर्ण होती है। अब मैं आपको आपके देव शिव जी का एक मंत्र जो बहुत सरल और साधारण है लेकिन असरकारक और प्रभावी होने के साथ साथ चमत्कारिक भी है, इसको आप करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। शादी विवाह या वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोमवार का व्रत करें और शिव जी की पूजा अर्चना करें और इस मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन खुशियों से भी भर जाएगा। मंत्र को आप मेरे साथ में बोलकर ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र बहुत सरल साधारण और आपके दिमाग में रहने वाला है, जबान पर भी रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो अब मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ साथ में इसका उच्चारण करके मेरे से ग्रहण कर सकते हैं और फिर रोजाना नियमित 2 माला करें।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह था आज के वीडियो में कर्क राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर देवों के देव महादेव जरूर लिखें। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आज के आपके कर्क राशि के वीडियो से पहले मैंने मेष, वृषभ और मिथुन राशि का संपूर्ण जानकारी का वीडियो पोस्ट कर दिया है। आप अपनी राशि के अनुसार मेरे चैनल पर अपने राशि का वीडियो देख सकते हैं। अपने मित्रों या परिवार के जितने भी लोग कर्क राशि के हैं उनके साथ भी यह वीडियो जो शेयर करें ताकि वह भी लाभ उठा सके। अगले वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के संपूर्ण जानकारी के साथ में मिलूंगा। तब तक जय जिनेन्द्र।